अफसोस ना खबर आपको देंगे। अब्दुल सत्तार ईदी की अहलिया मारूफ समाजी रहनुमा बिल्कीस ईदी कराची में इंतकाल कर गई हैं। बिल्कीस ईदी निजी अस्पताल में जेर इलाज थी। फैसल ईदी की जानिब से बताया गया है कि नमाज जनाजा का ऐलान कुछ ही देर बाद कर दिया जाएगा। इंतहाई अफसोसनाक खबर, मारूफ समाजी रहनुमा बिल्कीस ईदी कराची में इंतकाल कर गई हैं। अपने नाजरीन को याद दिलाएं कि गुज़िश्ता रोज़ भी इस हवाले से खबरें आ रही थी कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। जमजम सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जमजम, अफसोसनाक खबर है, क्या पता चल सका है, क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी की अहलिया बिल्कीस ईदी जो है वो खाले की हकीकी से जा मिली। गुज़िश्ता 13 रोज से वो निजी अस्पताल में दाखिल थी, दिल के आरसे में जो है मुब्तला थी। फैसल ईदी गुज़िश्ता रोज ने समा ने जो है इंटरव्यू किया था, जिसमें फैसल ईदी ने कौम से दुआओं की अपील की थी। अब से कुछ देर कबल फैसल ईदी ने जो है उनकी वालदा की वफात की तस्दीक की है और साथ ही कहा है कि नमाज जनाजा का ऐलान जो है अब से कुछ देर बाद किया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा जमजम सईद, हमें अपडेट कर रही हैं। अफसोसनाक खबर है, मारूफ समाजी रहनुमा बिल्कीस ईदी कराची में इंतकाल कर गई हैं। मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी की अहलिया बिल्कीस ईदी अब हम में नहीं रही हैं। अपने नाजरीन को बताएं कि मुख्तसर अलालत के बाद बिल्कीस ईदी इंतकाल कर गई हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से हिलाल इम्तियाज से उनको नवाजा गया। इसके साथ साथ अब्दुल सत्तार ईदी के बाद से बिल्कीस ईदी ईदी फाउंडेशन की चेयरपर्सन थी। इस इदारे को बहुत ही मुनज्जम तरीके से चला रही थी और ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी फलाही तंजीम है। अब्दुल सत्तार ईदी की अहलिया बिल्कीस ईदी अब इंतकाल कर गई हैं और फैसल ईदी की जानब से यानी उनके बेटे की जानब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि उनकी वालिदा अब हम में नहीं रही हैं। नमाज जनाजा के हवाले से अपने नाजरीन को बताएं कि फिलहाल कुछ नहीं बताया गया है। कहा जा रहा है कि नमाज जनाजा का ऐलान कुछ ही देर बाद किया जाएगा। मारूफ समाजी रहनुमा बिल्कीस ईदी कराची में इंतकाल कर गई हैं। अफसोसनाक खबर, बिल्कीस ईदी दिल के आरजे में मुबतला थी। गुज़िश्ता रोज़ समा से गुफ्तगू की थी फैसल ईदी ने, जिसमें उनकी जानब से ये कहा गया था कि मैं अपील करता हूं कौम से कि वो दुआएं करें, उनकी वालिदा की तबीयत काफ़ी नासाज है। वो निजी अस्पताल में जेरे इलाज थी और डॉक्टर्स की जानब से कोशिश की जा रही थी उनकी जान को बचाया जा सके, लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि वो जानवर नहीं हो सकी हैं। मारूफ समाजी रहनुमा बिल्कीस ईदी कराची में इंतकाल कर गई हैं। बिल्कीस ईदी निजी अस्पताल में जेरे इलाज थी। नमाज जनाजा का ऐलान कुछ ही देर बाद किया जाएगा, फैसल ईदी की जानब से ये बताया गया है। अपने नाजरीन को बताएं कि अब्दुल सत्तार ईदी के बाद बिल्कीस ईदी ईदी फाउंडेशन की चेयरपर्सन थी और बहुत ही मुनज्जम और ज़बरदस्त तरीके से इस फाउंडेशन को चला रही थी। ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी फलाही तंजीम है और हुकूमत पाकिस्तान की जानब से हिलाल इम्तियाज से भी इनको नवाजा गया था। अफसोसनाक खबर यह है कि मारूफ समाजी रहनुमा बिल्कीस ईदी कराची में इंतकाल कर गई हैं। बिल्कीस ईदी निजी अस्पताल में जेर इलाज थी। नमाज जनाजा का ऐलान कुछ ही देर बाद किया जाएगा। अहम खबर आ रही है, नए वजीर आला पंजाब का चुनाव कल होगा। पंजाब असेंबली का इजलास कल।